नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक आपने ई लर्निंग कैंपस के जो वीडियो देखे हैं उसमें किसी न किसी पाठ की व्याख्या दी गई है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज है। इस श्रेणी में हम लेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमारी जो पहली सीरीज है वो है कक्षा 5 प्रश्नोत्तर। इस सीरीज का पहला वीडियो है पाठ 1 एक एक, इसके प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे। बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से ढूंढे जाते हैं किसी पाठ से, और हम उनके उत्तर सही वाक्यों में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हाथ किस चीज का प्रतीक है और वह कैसे बनता है ना। तो आप देखिए, यहाँ कविता के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो, चलो हमारे साथ। तो अगर आपने इसकी व्याख्या देखी होगी तो आप जानते होंगे कि जो हाथ है वो संगठन और शक्ति का प्रतीक है, और वो कैसे बना है, वो एक एक उंगलियों से मिलकर बना है। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे इसका? इसका जब आप वाक्य बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि हाथ संगठन व शक्ति का प्रतीक है और यह एक एक उंगली के मिलने से बनता है। मैं रिपीट करती हूँ, हाथ संगठन व शक्ति का प्रतीक है और यह एक एक उंगली के मिलने से बनता है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 2। एक एक प्राणी से मिलकर जो विशाल दुनिया बनी है उनमें कौन कौन शामिल है। तो अब ये जो प्रश्न है, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो विशाल दुनिया बनी है उसमें कौन कौन शामिल है, मतलब कौन कौन इंक्लूड होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। अब वो कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है, एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है। अब जो दुनिया है वो इतनी विशाल है ना। तो दुनिया विशाल है तो उसमें क्या होगा, जब पूरी दुनिया के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में है, तो उसमें हर चीज आ जाएगी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, है ना, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे, एक एक प्राणी के मिलने से जो विशाल दुनिया बनी है उसमें दुनिया के सभी देशों के निवासी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और इन सबको जीवित रखने वाला प्राकृतिक वातावरण शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इसका आंसर। एक एक प्राणी के मिलने से जो विशाल दुनिया बनी है उसमें दुनिया के सभी देशों के निवासी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और इन सबको जीवित रखने वाला प्राकृतिक वातावरण शामिल है। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अगला देखिए, हमारा हिंदुस्तान कैसे बना, है ना। अब इसमें क्या दिया है कि हमारा हिंदुस्तान कैसे बना, देखिए लास्ट पैराग्राफ, एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान, है ना। क्या लिखा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान कैसे बना, तो हमारा हिंदुस्तान एक एक भारतवासी के मिलने से बना। तो हम वाक्य कैसा बनाएंगे, हमारा हिंदुस्तान एक एक भारतवासी के मिलने से बना है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस कविता के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाह रही हैं? अब इसमें पूछा हुआ है कि जो कवियत्री हैं वो क्या कहना चाह रही हैं इस कविता के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मेन जो इसका सीख है, जो मैसेज है इस पोयम का, वो मैसेज आपको इसमें डालना है। ठीक है, तो अगर आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं आपको लिंक कर दूंगी इस वीडियो के आखिर में, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखिए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस पोयम से, इस कविता से क्या मैसेज मिलता है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवियत्री कहना चाहती है कि एक अकेला भले ही महत्वपूर्ण ना लगे लेकिन
एक-एक के मिलते जाने से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संगठनों का विकास होता है। जैसे कि अब जैसे कि करके आप क्या करेंगे, हर एक लाइन में से कुछ कुछ चीजें उठा के और लिखेंगे। पहले आपने लिखा कि इस कविता के माध्यम से कवियत्री कहना चाहती है कि एक अकेला भले ही महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन एक एक के मिलते जाने से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संगठनों का विकास होता है। जैसे कि उंगलियों के मिलने से हाथ, एक एक बच्चे के मिलने से कक्षा, एक एक फूल से फुलवारी और एक एक देशभक्त के मिलने से महान भारत का निर्माण हुआ है। समझ में आया? सबसे पहले एक लाइन में आपने लिखा इस कहानी का मैसेज। कहानी हमें पता है एकता और संगठन के बारे में है, ठीक। तो पहले हमने वो लिखा, फिर हर एक पैराग्राफ से एक एक चीज उठाकर हम उसमें डाल देंगे कि जैसे क्या क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं दोबारा से आंसर रिपीट करती हूँ। इस कविता के माध्यम से कवियत्री कहना चाहती है कि एक अकेला भले ही महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन एक एक के मिलते जाने से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संगठनों का विकास होता है। जैसे कि उंगलियों के मिलने से हाथ, एक एक बच्चे के मिलने से कक्षा, एक एक फूल से फुलवारी और एक एक देशभक्त के मिलने से महान भारत का निर्माण हुआ है। ये हुआ हमारा उत्तर प्रश्न चार का। तो आपने देखा इसमें हर एक पैराग्राफ से कुछ कुछ चीजें कवर हुई है, मतलब हमारे जो फुल कविता है उसकी समरी इसमें आ जाती है। अब अगला प्रश्न, कविता पढ़कर आपने क्या क्या सीखा। अब आपको अपने बारे में बताना है, अपने शब्दों में लिखना है कि ये कविता जो आपने पढ़ी उससे आपको क्या सीख मिली, आपको क्या शिक्षा मिली। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने ये लिखा कि कवियत्री क्या कहना चाह रही है, जो पोएटेस है, पोएट है वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन अब हमें लिखना है कि आपने क्या सीखा। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर मैं आपको उसका उत्तर बता देती हूँ, तो आपको लिखने में, वाक्य बनाने में आसानी होगी। तो हम इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। हमने इसमें ये सीखा है कि आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें संगठित मतलब इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना, तभी हम जो है महान बन सकता है हमारा देश और हम बड़ी बड़ी चीजों को कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम इसका लिख सकते हैं। इस कविता से, देखिए उत्तर ध्यान से सुनिए, इस कविता से हमें एक दूसरे का सहयोग करने और संगठित होने की सीख मिलती है, जिससे महान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और महान देश का निर्माण किया जा सके। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ अपना आंसर। इस कविता से हमें एक दूसरे का सहयोग करने और संगठित होने की सीख मिलती है, जिससे महान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और महान देश का निर्माण किया जा सके। तो ये इस कविता के जो पांच प्रश्न थे उनके उत्तर मैंने आज आपको दिए। तो बच्चों ये थे पार्ट एक कविता एक एक के प्रश्नों के उत्तर। अगर आप कोई और भी वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगी। और इस पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसके वीडियो की लिंक और साथ ही दूसरी प्लेलिस्ट जो है मैं यहाँ पर आपको लिंक कर दूंगी, ताकि आप आसानी से उसे ढूंढ सकें। धन्यवाद।